नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे साथियों, वैदिक सभ्यता अर्थात वैदिक काल से बनने वाले तमाम उन प्रश्नों की बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में साथियों, जो एग्जाम में बार बार अटेंड करते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है साथियों। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं साथियों। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैदिक सभ्यता के रहे क्या साथियों। तो समझिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ वैदिक सभ्यता की, तो ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ है साथियों, उसे ही वैदिक काल या वैदिक सभ्यता के रूप में जाना जाता है साथियों। विशेष रूप से आपको याद रखना है, वैदिक सभ्यता की जो जानकारी है साथियों, हमें कहाँ से मिलती है? वेदों से मिलती है। तो दो बिंदु आपको जरूर याद रखना रहेगा साथियों, क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न आपके लिए, ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है आपके एग्जाम के लिए साथियों। देखिएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पूर्व वैदिक काल, यानी इसी को बोलते हैं हम ऋग वैदिक काल साथियों, क्लियर है। तो ऋग वैदिक काल का समय क्या है, टाइम पीरियड क्या है साथियों, ऋग वैदिक काल का ये पूछा जा रहा है साथियों। तो आपको याद रखना है ऋग वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लगाइए। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय है साथियों, ये ऋग वैदिक काल का समय माना जाता है, क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी इसको को लॉक कीजिएगा, चलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए उत्तर वैदिक संस्कृति का जो काल था वो कौन सा काल है साथियों। तो याद रखिएगा, वैदिक काल को दो भागों में बांटा है हमने, एक तो ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, लॉक कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है साथियों, वो उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में आता है साथियों, क्लियर है, चलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है साथियों कि बताइए आर्य जो थे भारत में कब आए थे साथियों, आर्यों की बात कर रहे हैं, तो आर्यों ने ही स्थापना की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसमें राइट ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य जो है साथियों, आर्य भारत में आए थे। और आर्य, आर्य का मतलब ही होता है साथियों श्रेष्ठ, और इन्होंने ही अगर हम बात करें तो वैदिक सभ्यता को ही स्टार्ट किया था साथियों, क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फोर की बात कर रहे हैं साथियों, टॉप ओरिएंटेड क्वेश्चन रखा है हमने एग्जाम में, वही क्वेश्चन रखा है जो एग्जाम में बार बार अटेंड करते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर की बात कर रहे हैं, वैदिक, यहाँ पर बात कर रहे हैं वैदिक जो है साथियों, आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था साथियों, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वैदिक काल में आर्यों का जो भोजन था वो प्रमुख भोजन क्या था साथियों। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसमें राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन रहेगा, दूध। अगर हम बात करें तो यहाँ के जो आर्य जो लोग होते थे यहाँ पर, अगर हम बात करें वैदिक काल में साथियों, तो आर्यों का जो प्रथम पशुपालन जो होता था, पशुपालन इनका प्रमुख व्यवसाय माना जाता था साथियों। अगर हम बात करें आर्य जो होते थे साथियों, गाय को सर्वोत्तम पशु मानते थे और गाय का दूध ही इनके लिए सर्वोत्तम माना जाता था साथियों, क्लियर है। तो आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था, दूध था। इसके साथ कई सारे उत्पाद इनके प्रमुख भोजन के रूप में जाने जाते हैं साथियों, क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की, पूछा जा रहा है आपसे कि बताइए आर्य शब्द का क्या अर्थ है। अभी जस्ट हमने चर्चा की है कि आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है साथियों, आर्य शब्द का जो अर्थ होता है इसका मतलब ही होता है साथियों, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या बोल सकते हैं कुलीन। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिएगा, राइट ऑप्शन लगाइएगा, क्लियर है, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं साथियों क्वेश्चन नंबर सिक्स की, पूछा जा रहा है आपसे कि बताइए कि आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है साथियों, आप डबल स्टार दीजिएगा कि आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे। इसमें अगर राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन देखिएगा, एक चौथा ऑप्शन आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट ऑप्शन रहेगा, मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे आर्य लोग, क्लियर है, चलेगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आर्य भारत में किस रूप में आए थे। देखिए, मध्य एशिया से आए थे ये तो हमको क्लियर हो गया, लेकिन ये भारत किस रूप में आए थे, तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो याद रखिएगा, ये आक्रमणकारी के रूप में आए थे भारत में। अगर हम बात करें तो इनका भारत में जो आगमन हुआ था ये आक्रमणकारी के रूप में था, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिएगा, क्लियर है, चलिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर एट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर एट पूछा जा रहा है कि बताइए आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी है। तो आर्यों द्वारा जो खोजी गई धातु है साथियों, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, लोहा, तांबा, सोना और चांदी। तो इसमें अगर हम बात करें इसमें राइट ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन रहेगा साथियों, जी हाँ,
लोहा जो है आर्यों द्वारा खोजी गई प्रथम धातु है साथियों, याद रखिएगा लोहा धातु का उपयोग करते थे आर्य लोग, आपको विशेष रूप से याद रखना है। लेकिन अगर इसके पहले सभ्यता की बात करें जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे साथियों, आपको ये भी आपको याद रखना है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बताइए वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, वेद शब्द का क्या अर्थ होता है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। तो वेद शब्द का अर्थ जो होता है साथियों ज्ञान से होता है, वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिएगा, चलेगा। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर बात कर रहे हैं आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था, आर्य जो थे संपूर्ण आर्यों को एक जाति कहने वाला व्यक्ति कौन था, ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसमें आपको राइट ऑप्शन लगाना है साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, मैक्स मूलर। ये जो कथन है साथियों ये कहा था मैक्स मूलर ने, और मैक्स मूलर जो थे ये कहना चाह रहे थे कि आर जो थे एक जाति के रूप में आए थे, आपको याद रखना है साथियों, क्लियर है। और ये यूरोपियन थे, आपको विशेष रूप से याद रखना है। तो आर्यों को एक जाति कहने वाला यूरोपीय कौन था साथियों, मैक्स मूलर था, विशेष रूप से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, प्रश्न देखिएगा, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे साथियों, जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे, यानी वैदिक काल में कर जो वसूला जाता था उसको क्या कहा जाता था, ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिएगा इसमें अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो आपका जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन रहेगा, जी हाँ बलि कहा जाता था, क्या बोला जाता था, बलि, विशेष रूप से आपको याद रखना है, बी ऑप्शन लॉक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा यहाँ पर 12 की बात कर रहे हैं साथियों, वेदों की संख्या कितनी है, बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे कि भारत में अगर हम बात करें वेदों की जो संख्या है वो 4 है साथियों। कौन कौन से वेद हैं अगर हम बात करें तो वेद हैं आपके ऋग्वेद, एक है आपका जो प्राचीन वेद है ऋग्वेद आपका, दूसरा है आपका यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद, फिर आपका सामवेद साथियों। तो ये 4 वेद हैं आपको विशेष रूप से याद रखना है। वहीं अगर हम बात करें 13 क्वेश्चन की, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऋग्वैदिक आर्यों का जो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं तो इसमें आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, ये पूछा जा रहा है। तो अभी हमने जस्ट देखा कि आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन साथियों, पशुपालन करते थे, और पशुपालन में सबसे प्रतिष्ठित जो पशु था वो आपका गाय था साथियों, याद रखिएगा, क्लियर है। ऑप्शन नंबर देखिएगा 13 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका पशुपालन हो जाएगा। 14 क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऋग्वैदिक जो काल है साथियों उसमें आर किस भाषा का प्रयोग करते थे, तो यहाँ ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, संस्कृत, जी हाँ याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं साथियों कि वैदिक युग में अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वैदिक युग में जो बात कर रहे हैं इसमें कौन सा विवाह प्रचलित था, तो हम बात कर रहे हैं अनुलोम विवाह की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिएगा साथियों। अब देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है साथियों कि गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है एग्जाम में, तो याद रखिएगा इसको जरूर छापिएगा दिमाग में कि गायत्री मंत्र का जो उल्लेख मिलता है साथियों ये किस में मिलता है साथियों, तो आपको याद रखना है ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद भारत में अगर हम बात करें सबसे प्राचीन ग्रंथों में माना जाता है, सबसे प्राचीन वेदों में माना जाता है ऋग्वेद को साथियों, क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आरंभिक यानी प्रारंभ की बात कर रहे हैं, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, तो वर्ण व्यवस्था जो आधारित थी प्रारंभ में, तो आपको याद रखना है साथी ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, व्यवसाय पर आधारित थी, कैसे थी साथियों, व्यवसाय पर आधारित थी, यानी व्यवसाय के आधार पर व्यक्तियों का जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय के आधार पर बांटा गया था साथियों, क्लियर है। वहीं अगर हम बात करें साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 की, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बताइए वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीही शब्द का अर्थ क्या होता है, तो ब्रीही शब्द का जो अर्थ होता है चावल होता है साथियों, चावल, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी को लॉक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 की बात कर रहे हैं कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है साथियों, तो वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है इसमें ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसमें देखिएगा इसमें जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिएगा, राइट ऑप्शन रहेगा साथियों, शल्व सूत्र इसका क्या रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, भारत के राजा
भारत के राज भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द जो है साथियों सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, बहुत बार पूछा गया है साथियों, याद रखिएगा। अगर हम बात करें मुंडो को, यहाँ पर याद रखिए मुंडक उपनिषद जो है साथियों या मुंडको उपनिषद जो है साथियों यहाँ से लिया गया आपका सत्यमेव जयते, आपको याद रखिएगा साथियों। अगर हम बात करें तो भारत में उपनिषदों की जो संख्या साथियों अगर हम बात करें तो 108 है और 4 आपके वेद और 18 पुराण है साथियों, क्लियर है। 21वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि ऋग्वेद, यहाँ पर बात कर रहे हैं ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है साथियों। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट ऑप्शन रहेगा नौवां मंडल साथियों, क्या रहेगा नौवां मंडल इसका राइट ऑप्शन रहेगा साथियों, क्लियर है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहे हैं साथियों कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। इसमें राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा ये दसवें मंडल की बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट ऑप्शन लगाइएगा आप, दसवें मंडल की बात कर रहे हैं, क्लियर है। अगला देखिएगा गायत्री मंत्र की रचना किसने की है साथियों, ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो गायत्री मंत्र की जो रचना है विश्वामित्र ने की है, ऑप्शन और बी को लॉक कीजिएगा विश्वामित्र साथियों। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर रहे हैं कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं साथियों, तो ऋग्वेद में जो सूत्र हैं ये आपको याद रखना है, सूत्रों की जो संख्या है आपके 1028 है साथियों, कितनी है आपकी 1028 है, ऋग्वेद की बात कर रहे हैं आपको याद रखना है। और इसमें कितने मंडल हैं 10 मंडल और आपको याद रखना है 10462 ऋचाएँ हैं साथियों। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहे हैं, पूर्व वैदिक काल की बात कर रहे हैं, पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था प्रमुखता कौन सा धर्म था साथियों, याद रखिएगा ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 25 का राइट ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी है ना। प्रकृति पूजा और यज्ञ विशेष रूप से इनका धर्म जो अगर हम बात करें आर्यों में जो धर्म प्रमुखता था उस समय वो प्रकृति पूजा करते थे, इसके साथ साथ क्या है पूजा में यज्ञ विशेष रूप से शामिल किया जाता था साथियों, क्लियर है, तो ये आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है, बहुत बेहतर तरीके से समझते होंगे साथियों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो रहेगा आपका अथर्ववेद रहेगा साथियों, क्या हो जाएगा अथर्ववेद जो है साथियों वशीकरण, इसके अलावा साथ में जादू टोना से संबंधित कौन सा आपका वेद है साथियों अथर्ववेद है साथियों, आपको याद रखना है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है साथियों, 27 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा साथियों पतंजलि, पतंजलि जो है साथियों योग दर्शन के क्या है साथियों प्रतिपादक हैं, आपको याद रखना है विशेष रूप से। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था साथियों, तो न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने, विशेष रूप से आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिएगा, क्लियर है। 29 की ओर बढ़िएगा, देखिएगा प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको माना जाता है या कहा जाता है, आपको विशेष रूप से याद रखना रहेगा, 29 का राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी साथियों मनु, जी हाँ मनु इसका राइट ऑप्शन रहेगा साथियों। नेक्स्ट देखिएगा अस्तो माँ सद्गयम तमसो माँ ज्योतिर्गयम की बात कर रहे हैं, ये मंत्र कहाँ से लिया गया साथियों याद रखिएगा, तो विशेष रूप से आपको याद रखना है इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ई के साथ जाएगा उपनिषद से लिया गया है, और कितने उपनिषद हैं साथियों याद रखिएगा 108, कितने हैं साथियों 108 उपनिषद हैं, आपको विशेष रूप से याद रखना रहेगा साथियों, क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे कि जो सामवेद है साथियों ये संगीत का जनक कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट अगर हम बात करें साथियों 32 क्वेश्चन की, तो किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, पुरंदर शब्द आपको याद रखना है, इसमें जो राइट ऑप्शन रहेगा आपका ये राइट ऑप्शन आपका इंद्र के साथ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। इंद्र अगर हम बात करें तो एक मुख्य देवते के रूप में जाने जाते हैं किस समय साथियों वैदिक काल में साथियों, विशेष रूप से आपको याद रखना है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा 33 की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था, वो नदी कौन सी है साथियों, तो इसमें ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सरस्वती नदी की बात कर रहे हैं, सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी के रूप में जानी जाती थी, ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। 34 क्वेश्चन देखिएगा, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन है साथियों, तो सबसे प्रमुख देवता के रूप में अभी जस्ट हमने चर्चा की है कि इंद्र जो है साथियों वर्षा के देवता माने जाते हैं और एक प्रमुख देवता थे ऋग्वेद काल में साथियों,
ऋग वैदिक काल में। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। और ये पूछा जा रहा है कि पुराणों की बात कर रहे हैं, पुराणों की संख्या कितनी है। तो अभी हमने जस्ट बात की थी कि 18 पुराण है साथियों, आपको याद रखना है। भारत में अगर पुराणों की बात करें तो 18 पुराण है, विशेष रूप से आपको याद रखना है, 4 वेद और 108 उपनिषद साथियों। चलेगा, आज का यह वीडियो बस यहीं ख़त्म होता है साथियों। और आज के लिए आपके लिए प्रश्न है साथियों, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर छाप कर बताइएगा। प्रश्न है, कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? ये ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय दिया है, और इसके अलावा अशोक और अजातशत्रु। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।